माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए प्लीज। बस थोड़ी देर और वेट कीजिए मैडम जी। आरजू के बॉर्डर पार जाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए। बाबू क्या हुआ? तू थोड़ी सी घबराई घबराई सी क्यों लग रही है? ना ना कुछ 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 क्या हुआ बाबू को? अचानक से शरद भी आते ही इसके चेहरे पे एक अजीब सा डर दिख रहा है। बीएसएफ की दूसरी पेट्रोलिंग जीप ठीक 5 मिनट बाद फिर से आएगी। उससे पहले हमें यहाँ से अंदर जाना होगा, ठीक है? चलो। एसपी संध्या राठी पुष्कर से, इनका नाम आरजू है, ये मेरी देवरानी है। एसपी संध्या बड़ी अजीब बात है कि आपके परिवार की एक बहू यहाँ बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ी जाती है और पूछने पर कोई जवाब नहीं देती है, ना नाम बताती है ना पहचान। रिमोरा राम जी अक्कल बनी के तारे को पूछ रहे ना? चलो बतावे क्यों कोनी? पता है ना थारे को मौन व्रत कर कर के बैठे है? जे पूछ रहे हैं तो बता देना, अरे जे लोग जेल भेज देंगे। बाबू आराम से, थारे को भी और हम सब को भी। रे मारा राम जी, जब से आई है ना जब से जान खा रखी है हम सबकी, अब न जाने कौन सी मुसीबत में डालना चाहते। आरसू, बोलो ना। जब फौजी लोग जो पूछे है ना, बता दे, क्या लेने आई थी तू आठे? बोलने। बाबू। अब बोल। वो हम यहाँ गौ माता को लेने के लिए आए थे। गौ माता? रेड गौ।
भाबू, हम जानते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, पर हमारा यकीन मानिए, हमने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज माफ कर दीजिए हमें भाबू। भाबू माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दो ना भाबू। रे मारा राम जी, ये तो हद ही हो गई। पहलिया भर भर कर गलती करे और फिर माफी मांगे, ताकि ना हिसाब बराबर हो जावे। रे मारा राम जी, रे बीनड़ी, रे टावर होवे ना 5 बरस को, वो भी एक के बाद एक इतने कांड को नहीं कर सके। रे सांस ले वह बीच में, और तू, रे तू तो जैसे सौगन खा कर आई है कि कोई भी काम ना सुधारूंगी को नहीं, हर काम ने बिगाड़ करी रखूंगी। रे मारा राम जी, माफी मांगनी है ना तो जा जा करके गौ माता से माफी मांग ले, जिसका तूने अपमान किया है। मारे से क्या मांगे, जा जा कर ढूंढ कर ला। माफ कर दियो मारे को। रे मारा राम जी, कोई काम को नहीं सोचे क्या, माफी मांगे मारे से। भाभू हमें नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम उसे। रे मारा राम जी, पहाड़ पाताल धरती कटे से भी खोद कर निकाल, जा जो करना है ना थर को कर, पर ढूंढ कर ला। हमारे पास मना है, जब तक ढूंढ कर ना लाएगी ना, जब तक थर मुंडो बना दिखाएगी। इसलिए हमने किसी भी हालत में गौ माता को ढूंढने का फैसला लिया। वो बाहर किसी ने बताया था कि अक्सर जानवर अपने चारे की तलाश में सरहद की तरफ निकल जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि सरहद है कहाँ। तभी ये फौजी लोग गाड़ी में बैठते हुए बातें कर रहे थे कि ये लोग सरहद की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी चुपके से इनके साथ बैठ गए। यही तो सर, सही कह रही हैं। वो दरअसल आज हम सब परिवार वाले ना वो कुलदेवी की यात्रा के लिए दर्शन करने गए थे वहाँ पे, तो आरजू ने गलती से वहाँ पे गाय की रस्सी खोल दी और गाय वहाँ से भाग गई। इतने में पापा नाराज हो गए, पापा ने इसको डांटा तो ये गाय का पीछा करते करते पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई। और आप यकीन मानिए, इनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन हमें अभी इसी समय इनकी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी। जाइए, इनकी अच्छी तरह से तलाशी लीजिए, ले जाइए। चलो। सुखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय, चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है ना बोलने का ढंग, यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। समझा? ते मारा राम जी। हे राम। सर, मैं माफी चाहती हूँ, ये सब जो भी हुआ हम बहुत शर्मिंदा हैं। सर, इनकी तलाशी में ये सारे सामान मिले हैं। ये रस्सी, ये टॉर्च जिसमें बैटरी नहीं है,
ये सब गौ माता को पकड़ने के लिए लाए थे। रात का वक्त था तो ये सब जरूरी था। सर देखा आपने ये टॉर्च, ये कंबल और ये रस्सी। आरजू के मन में तो सिर्फ गाय को पकड़ने की धुन सवार थी। देखिए ऐसे सामान में भला कुछ दूसरा। इसलिए सर बस हमें जाने दीजिए। भाभा की तबीयत ठीक ना है। देखिए मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इनका कोई गलत इरादा नहीं था। इनसे अनजाने में ये गलती हो गई है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं इन्हें अभी छोड़ रहा हूं। लेकिन याद रहे कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना होने पाए, वरना ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। और इसके साथ आप सब भी। संध्या जी सर, यू नीड टू साइन सम पेपर्स विद मी प्लीज। का श्योर सर, हमें माफ कर दीजिए। बावड़ी हो गई कि ऐसे सड़क पर आ गई। अगर मैं ऐसे बोलती कि जाकर बावड़ी में कूद जा तो कूद जाती के? बोल ले, जवाब दे। हाँ बाबू, आप कूदने को बोलते तो कूद जाते। बाबू ये बावड़ी क्या होती है? सूरज समझाए से। भाईजान क्या होती है बावड़ी? आरसू वो बावली वो कुआं होवे ना। किस मिट्टी की बड़ी है रे तू? किसी की भी गाड़ी में घुस जावे, सरहद पर आवे जैसे घूमने निकली है। पता है तेरे को किस सरहद पर कितना खतरा होवे? सब कुछ गलत हो गए, पता है तारे को? ऐसा नहीं है बाबू, वो तो हमारा चुप रहे। बटे ना बटे देखने की जरूरत है। खबरदार जो बटे देखी तो कोई जरूरत नहीं। अब वो अचानक से इतनी सहम से क्यों गई है? पाकिस्तान सरहद के पास आते ही इतना डर क्यों है बाबा के मन में? क्या बात परेशान कर रही है बाबा को? बाबू हमारी दादी जान ने हमें समझाया था कि हमारे ससुराल में हम बिल्कुल हमारी अम्मी जैसी हैं। आप जो भी बोलेंगी वो सब सही होगा और हम बिना सवाल करे आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप जो भी करेंगी वो हमारी अच्छाई के लिए करेंगी। गौ माता के जाने से आप बहुत उदास और परेशान हो गई थी। आपको परेशान नहीं देख सकते हम बाबू, अपने आप को कोस रहे थे हम कि हमने आपका दिल दुखाया है। सही कहते हैं सब, बिल्कुल चल रही हैं हम। थोड़ा सा तो दिमाग लगाते, अगर आज अगर हम प्रेम से ना पूछते ना तो तू तो मुसीबत में फंस जाती ना। तारे को चल सब डर लगा। प्यार किया तो डरना क्या? चुप रह। कितनी बावड़ी रे तू, हमने बोला और तू अड्डे चली आई सरहद पर। एकदम डाबर सी मासूम
और हम ना जाने क्या सोच रहे थे। सही कहा तारी दादी, हम बिल्कुल तारी मां समान। तबीयत तो ठीक है ना? ये तारे माथे पे पसीना क्यों? क्या हुआ बाबू? परेशान क्यों लग रही है? देख बाबू, मैं तारी तकलीफ को समझ रहा हूं, लेकिन बस इतना तो बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही तो इतना परेशान, इतना डर जाती है। बाबू अब बोलना। पहले तो मुझे भी ऐसे लगता था कि तू पाकिस्तान का नाम सुनते ही चढ़ती है, लेकिन जब से तू वो बॉर्डर से आई है ना, मैंने खुद तारी आंखों में वो डर देखा था। तारे हाथ पे ठंडे हो गए थे बाबू। क्यों बाबू, क्यों? ऐसा क्या है? तो पहले कभी गई थी क्या बॉर्डर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई बात ना करनी मालिको। देख, मारा और मारे परिवार का ना कोई रिश्ता ना है पाकिस्तान से, ना सुना ना तूने? कोई लेना देना ना है वो सरहद से, कुछ ना है। मेरे बाबू को इतना झिझोड़ देने वाली ऐसी क्या बात है पाकिस्तान को लेकर इतनी नाराजगी, ऐसा डर? बिना वजह किसी बात क्यों ना मुश्किल है, ऐसे में बाबू को कैसे बताऊंगा कि आरजू बिन्नी पाकिस्तानी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।